भाजपा का पर्व तो जनसम्मेलन में आगामी चुनाव को लेकर बनाई रणनीति। सपा बसपा के गठबंधन को बताया चोरों की मंडली। यूपी के रामपुर में भाजपा का पर्व तो जनसम्मेलन हुआ, जिसमें आगामी चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई और सपा बसपा के गठबंधन पर निशाने भी साधे गए। भाजपा पिछड़े वर्ग मोर्चा के महामंत्री पूनन लाल लोधी ने कहा, जीरो को जीरो से अगर मिलाएंगे तो जीरो रहेगा। अच्छा। जीरो को जीरो से जोड़ेंगे तो जीरो रहेगा, जीरो से जीरो को गुणा करेंगे तो ही जीरो आएगा। जब 2017 में सब मिलकर सुने थे तो लोकसभा में भी इनकी स्थिति वही रहने वाली है। कोई परिवर्तन गठबंधन महागठबंधन से होने वाला नहीं है। ये देश का आम चुनाव है, उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं है जो लोग जातियों के बंटवारे में चुनाव ले जाएंगे। ये देश के जनप्रिय लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी में आस्था व्यक्त करने वाले लोगों का चुनाव है, इसलिए कोई कहीं सुनी नहीं जाएगी। एक ही बात सुनी जाएगी, हमारा देश पूरी दुनिया में प्रतिष्ठापित कैसे होगा। ये सम्मेलन रामपुर के उत्सव पैलेस में हुआ, जिसमें रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, संबल और बिजनौर लोकसभा क्षेत्र के प्रबुद्धजनों का सम्मेलन हुआ, जिसमें सभी भाजपा नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया रखी। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के महामंत्री पूरन लाल लोधी ने कहा, पिछड़ा वर्ग मोर्चे का महामंत्री हूँ और पीलीभीत जिले का प्रभारी भी हूँ, बरेली का जिलाध्यक्ष रहा हूँ। मैं रामपुर में पिछले 3 महीने से भारतीय जनता पार्टी में फिर से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और रामपुर भी लोकसभा हम जीत करके यहाँ का प्रतिनिधित्व कायम रहे, इस दृष्टिकोण को रखकर पिछले 3 महीने से यहाँ मैन टू मैन जो पार्टी के नामचीन चेहरे हैं, प्रमुख पदाधिकारी हैं, ऐसे लोगों से संपर्क साध रहा हूँ। संघ और संघ विचार परिवार के जो लोग हैं उनको भी समय समय पर मिलना जुलना हो रहा है। आई हैं प्रमुख लोग हैं, समाज सेवी हैं, ऐसे सारे लोगों को भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा की बात वहां पहुंचाना, उनको जोड़ना और जोड़ करके नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए काम कराना, ऐसे आग्रह के साथ हमारा उद्देश्य को लेकर आज ये 8 मोर्चों का 8 प्रकोष्ठों का हमारा प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन था। इसको हमने आकर के प्रमुख नेताओं ने इसका संबोधन किया, जिला प्रभारी जी ने और माननीय संतोष जी मुख्य अतिथि थे, तो इसका मुझे लगता है कि दूरगामी परिणाम निकलेंगे।